सिमरन ने लिया होश में आते ही साहिबा का नाम। क्या सिमरन बता देगी अंगद को साहिबा का सच? क्या साहिबा दिलजीत को छुड़ा पाएगी पुलिस की गिरफ्त से? स्टार प्लस के शो तेरी मेरी डोरिया में आने वाला है एक बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। सीरियल के आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं कि जहां अंगद अपनी बहन के खोने का इल्जाम दिलजीत पर लगाता है, तो वहीं दूसरी ओर साहिबा पानी भरने के लिए जब जाती है तो उसे सिमरन मिल जाती है। इसे देखकर साहिबा काफी ज्यादा घबरा जाती है और फिर वो सिमरन को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन सिमरन की हालत देखकर साहिबा उसे वहां से हॉस्पिटल ले जाती है। जिस बीच साहिबा के पास दिलजीत की बहन यानी कि ट्विंकल का कॉल आता है और वो साहिबा से पूछती है कि वो घर कब तक आएगी। जिस बात का जवाब देते हुए साहिबा ट्विंकल को बोलती है कि उन्हें एक लड़की बेहोश मिली है जिसकी हालत बहुत खराब है और वो उसे हॉस्पिटल ले जा रही है। वहीं दूसरी ओर अंगद और दिलजीत के बीच आपको हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। अंगद को शक होता है कि दिलजीत ने ही उसकी बहन यानी कि सिमरन का किडनैप किया है, लेकिन दिलजीत इस बात को इनकार करते हुए खुद को डिफेंड करता हुआ नजर आएगा। वहीं साहिबा सिमरन को हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाएगी और जब वो नर्स से सिमरन का इलाज करने को कहेगी तो नर्स साहिबा से सिमरन की आइडेंटिटी के बारे में पूछेगी। वो साहिबा से पूछेगी कि ये बच्ची कहाँ से है, किसके साथ आई है और इसके परिवार वाले कहाँ हैं, जिसे सुनकर साहिबा को गुस्सा आ जाएगा और वो नर्स से ये कहते हुए नजर आएगी कि इस बच्ची की तबीयत सही नहीं है। साहिबा डॉक्टर को बताती है कि वो नहीं जानती कि ये बच्ची कौन है, वो उसे रास्ते में बेहोशी की हालत में मिली थी। इसके बाद नर्स साहिबा से सिमरन की आईडी के बारे में पूछेगी, तो ऐसे में साहिबा की नजर सिमरन के स्कूल आइडेंटिटी कार्ड पर पड़ जाएगी, जिसे देखकर वो नर्स को उसका आईडी कार्ड देखने को कहेगी और इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने को कहेगी जो कि अंगद का होगा, जिसके बाद अंगद सिमरन से मिलने के लिए हॉस्पिटल के लिए निकल जाएगा। वहीं अकीर और ट्विंकल दोनों हॉस्पिटल यानी कि साहिबा के पास पहुंच जाएंगे। अकीर को रोता हुआ देखकर साहिबा ट्विंकल से अकीर के रोने की वजह पूछेगी, तो ट्विंकल दिलजीत के अरेस्ट होने के बारे में साहिबा को बताएगी, जिसे सुनकर साहिबा वहां से दिलजीत को छुड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन निकल जाएगी। इसके बाद साहिबा और दिलजीत अपने घर आ जाते हैं और दिलजीत साहिबा को पूरी घटना के बारे में बताता है, जिसे सुनकर साहिबा बोलती है कि जिस लड़की को पुलिस ढूंढ रही है उसे मैं जानती हूँ। वहीं अंगद भी सिमरन के पास पहुंच जाता है और सिमरन से पूछने की कोशिश करता है कि उसे हॉस्पिटल कौन लाया था। तो सिमरन बेहोशी की हालत में साहिबा का नाम लेती है, जिसे सुनकर अंगद शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि सिमरन ने इतने सालों बाद इस हालत में साहिबा का नाम क्यों लिया। अब ऐसे में जब सिमरन को होश आएगा तब अंगद सिमरन से साहिबा का नाम लेने के बारे में पूछेगा, तो सिमरन क्या जवाब देगी ये देखना तो बहुत ही दिलचस्प होगा। सीरियल से जुड़ी सभी अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।